पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन है? जी असल में शुरू में तो इन्होंने काफ़ी गंदी परफॉर्मेंस दी थी। आई थिंक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छा खेला था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक मारा है इन्होंने। अब होपफुली देखते हैं आगे भी अच्छा खेलें, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। ज़्यादा मुतमईन नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए था कि सबसे पहला मैच इनको जीतना चाहिए था वेस्ट इंडीज़ वाला, उसके हारने की वजह से उसके बाद एक और मैच हार गए, तो इतना मुतमईन तो नहीं है। मैं क्या सभी मुतमईन हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना कमबैक जो किया आके और जो बता दिया उन्होंने कि यार वाकई हम पाकिस्तान पाकिस्तान है। शुरू में तो सच्ची बात है जो नज़र आ रहा है कि उन्होंने शुरू में अच्छा नहीं खेला, ऐसे लग नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी जान लगाई है और मैचेस जीते हैं और दिखाया है कि वो वर्ल्ड कप जीतने ही गए हैं, और इंशाल्लाह आगे इसी तरह परफॉर्मेंस देंगे तो उम्मीद है कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मैं शुरू में बिल्कुल मुतमईन नहीं था, मगर जब से ने कमबैक मारा है, जब से 1992 वाली स्पिरिट आई है, मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप है ही हमारा, जो मर्ज़ी हो जाए। अच्छा, आप समझते कि पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है? जी उम्मीद तो थी कि कल इंडिया हरा देगा इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया ने दिखा दिया कि वो है क्या, तो उम्मीद करते हैं न्यूजीलैंड हरा दे और हम बांग्लादेश को हरा दें, फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम पहुँचेंगे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जानबूझ के हारा है, क्योंकि इनको इनको पता था पाकिस्तान आ जाएगा आगे, तो ये जानबूझ के हारे हैं ऐसा लग रहा था। इंडिया हमेशा अंग्रेज़ों का गुलाम ही रहा है, तो इसलिए वो शायद मुझे लग रहा है कि इसलिए आ रहा है। देखिए अब काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि 330 स्कोर था, चेस कर रहे थे, पूरी इनिंग्स में एक छक्का मारा है उन्होंने 50th ओवर में। एक इंटेंशन टीम की पता चलती है, इंडिया की कोई इंटेंशन नहीं थी जीतने की, उनको पता है कि पाकिस्तान अब क्वालिफाई कर जाएगा अगर इंडिया हार जाता है, और नज़र आ रहा था कि वो नहीं चाहते थे ये, वरना इंडिया के लिए 330 स्कोर कुछ भी नहीं था चेस करना। एंड में जाके जब आपको रन ज़्यादा चाहिए थे, वो सिंगल डबल्स ले रहे थे, कोशिश ही नहीं कर रहे थे बाउंड्रीज की, तो स्पोर्ट्समैनशिप मेरे ख्याल में शो करनी चाहिए। जितने लगता है इंडिया ने हमें सरासर धोखा दिया है, ये जीत सकते थे मगर इन्हें बिल्कुल, इनको पता था कि अगर ये जीत गए तो ये बाद में हमसे हारेंगे सेमीफाइनल में। बिल्कुल जानबूझ के हारा है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, वो बिल्कुल नहीं चाहता इस बात इसके बारे में कि वो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। दूसरा उनसे ये सब कुछ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान को वो क्रिकेट में नहीं और चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नफरत करता है इंडिया पाकिस्तान से, इससे तो बहुत ही जाहिर हुआ ये बात कि क्रिकेट से जो, वरना इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम जो खेली है और एक बार भी उनका कैप्टन स्पिनर के पास नहीं आया और उसने ये आके नहीं कहा कि यार तुम ये कैसी बॉल करा रहे हो, और पूरे 50 ओवर खेले इंडिया ने और आखिर में एक छक्का मारा है, तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे तो यही जाहिर होता है कि हाँ यार हमने हारना है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान टीम के कोच होते तो उन्हें एक क्या ऐसी नसीहत करते? यार बस मेन बात तो है कि यार अपने लिए ना खेलो, मुल्क के लिए खेलो, क्योंकि सब आप मुल्क के लिए खेलने जाते हो, रिप्रेजेंट करते हो अपने कंट्री को, और बस यही है कि दिल से खेलो, बेशक अगर आप जान लगा के खेलो बेशक फिर हार भी जाओ, हमें मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपना बेस्ट एफर्ट दो। सरफराज को कहता भाई फिटनेस पर ध्यान दो, अपने फिट नहीं लग रहे हो, चाहे रिजल्ट जो भी हो खेलना पूरी जान से चाहिए।